हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीबॉडी। तो आज हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का क्विज। क्वेश्चन फर्स्ट, लाइव स्टॉक सेंसस इज कंडक्टेड वंस इन एवरी डैश ईयर्स, थ्री ईयर्स, फोर ईयर्स, फाइव ईयर्स, या नन ऑफ दिस। सो द राइट आंसर इज फाइव ईयर्स। लाइव स्टॉक सेंसस जो है हर पाँच साल बाद होता है इंडिया में, ठीक है। और इंडिया में सबसे पहले कब हुआ था, 1919 और 1920 में, 1919 और 1920 में हुआ था लाइव स्टॉक सेंसस इंडिया में पहली बार। लाइव स्टॉक में क्या आते हैं, कैटल, बफेलो, याक, मिथुन, सीप्स, गोट्स, पिग और भी बहुत सारे एनिमल, ठीक है। और जो बर्ड्स हैं वो आती है पोल्ट्री में। अब कैटल, बफेलो, याक और मिथुन क्या है, इन सबको हम कहते हैं बोवाइंस। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन सेकेंड, डैश इज नोन एज लोला, मॉन्टगोमेरी और मुल्तानी, साहिवाल, रेड सिंधी, गिर, या नन ऑफ दिस। सो द राइट आंसर इज साहिवाल। तो साहिवाल क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट है जो पाकिस्तान में है प्रेजेंटली। जब ब्रिटिश लोग राज करते थे, इंडिया और पाकिस्तान जब एक ही था, तब इस डिस्ट्रिक्ट का नाम था मॉन्टगोमेरी। तो मॉन्टगोमेरी को डिवाइड करके मुल्तान और साहिवाल कर दिया। मुल्तान, साहिवाल और मॉन्टगोमेरी के डिस्ट्रिक्ट के नाम है। अब जो लोला है, लोला का मतलब होता है लूज स्किन। तो डैश इज नोन एज लोला, मॉन्टगोमेरी, मुल्तानी। तो उसका आंसर जो आएगा वो आएगा आपका साहिवाल। अब देखो, साहिवाल, रेड सिंधी, गिर, ये सब क्या है, इंडिजीनियस मिल्च ब्रीड है। तो आप इन्हें एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, साजिश, सा फॉर साहिवाल, जी फॉर गिर, एस फॉर सिंधी, ठीक है। तो साजिश से आप याद रख सकते हैं इंडिजीनियस मिल्च ब्रीड। अब हम देखते हैं स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं। जैसे साहिवाल का क्या होता है, स्वीटेस्ट मिल्क होता है। गिर के क्या होते हैं, कर्व्ड हॉर्न्स होते हैं, ठीक है। हाफ मून, हाफ मून इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच कैटल ब्रीड, तो आपका आंसर आएगा गिर। सिंधी, सिंधी का क्या होता है, इंटेलिजेंट फेशियल एक्सप्रेशन, इंटेलिजेंट फेशियल एक्सप्रेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेड सिंधी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्रॉट पर्पज ब्रीड ऑफ कैटल, हालिकार, अमृत महल, मालवी, या ऑल ऑफ दिस। सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। अब देखो, मिल्च ब्रीड क्या होती है, जो मिल्क पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं। अब ड्रॉट पर्पज़ ब्रीड क्या होती है, द कैटल दैट आर यूज फॉर डूइंग लेबर इन द फील्ड, उन्हें हम ड्रॉट पर्पज़ ब्रीड कहते हैं। और तीसरी होती है ड्यूअल पर्पज़, जो मिल्क और ड्रॉट पर्पज़ दोनों के लिए यूज़ होती है, उन्हें कहते हैं ड्यूअल पर्पज़ ब्रीड। तो ड्रॉट पर्पज़ ब्रीड ऑफ कैटल क्या है, हालिकार, अमृत महल, मालवी, ये सब जो है ड्रॉट पर्पज़ ब्रीड है कैटल की। क्वेश्चन फोर्थ, डैश इज नोन एज वाइट सिंधी, हरियाणा, कंकरेज, थार पार्कर, या नन ऑफ दिस। सो द राइट आंसर इज थार पार्कर। थार पार्कर इज नोन एज वाइट सिंधी। कंकरेज क्या है, फेमस है फॉर सवाई चाल। अब हरियाणा, कंकरेज, थार पार्कर, ये सब जो हैं ड्यूअल पर्पस ब्रीड हैं कैटल की। कंकरेज इज नोन फॉर इट्स फेमस रॉयल चाल, सवाई चाल के लिए ये फेमस है। क्वेश्चन फिफ्थ, होलिस्टीन फ्राइसिन इज एन एक्जॉटिक ब्रीड, हैवीएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग काउ इन द वर्ल्ड, विच इज़ नेटिव ऑफ फ्रांस, डेनमार्क, स्कॉटलैंड, या हॉलैंड। तो राइट आंसर इज हॉलैंड। होलिस्टीन से आपको पता चल जाना चाहिए, हॉलैंड है इसका आंसर, ठीक है, हॉलैंड, होलिस्टीन, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कुछ ब्रीड और उनके ओरिजिन। रेड डेन, एरिसायर, होलिस्टीन फ्राइसिन, ब्राउन स्विस, जर्सी, इन सब के जो एक्जॉटिक ब्रीड हैं, इन सब के हम ओरिजिन देखेंगे। रेड डेन का, डेन से डेनमार्क, ठीक है। एरिसायर स्कॉटलैंड है, ये ब्यूटीफुल काउ, इसे ब्यूटीफुल काउ भी कहते हैं एरिसायर को, इसका जो ओरिजिन है वो है स्कॉटलैंड। होलिस्टीन फ्राइसिन का नीदरलैंड बोलो या हॉलैंड बोलो, बात एक ही है। ब्राउन स्विस का स्विट्जरलैंड, स्विस से स्विट्जरलैंड। जर्सी का क्या है, जर्सी, आइसलैंड, यूके, यूनाइटेड किंगडम। क्वेश्चन सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन बोवाइन स्पीसीज, कैटल, याक, बफेलो, या शिप। तो राइट आंसर इज शिप। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कैटल, याक, बफेलो और मिथुन क्या है, बोवाइन स्पीसीज है। तो इसका आंसर जो है सिप है, सिप। क्वेश्चन सेवन्थ, व्हाट इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ काउ इन डिग्री सेल्सियस, 39.2, 38.5, 37.6, या 41.7। तो राइट आंसर इसका 38.5। तो काउ का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो होता है 38.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि जो काफ है उसका होता है 39.5 डिग्री सेल्सियस। अब देखो, हम कुछ बॉडी टेम्परेचर देखते हैं एनिमल्स के। तो बफेलो का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो होता है 38.2 डिग्री सेल्सियस। डोंकी का भी नॉर्मल टेम्परेचर जो है 38.2 डिग्री सेल्सियस होता है।
अब जो शिप है उसका होता है 39 डिग्री सेल्सियस और जो गोट है उसका होता है 39.5 डिग्री सेल्सियस। अब देखो जो काओ है उसका जो बॉडी टेम्परेचर अगर आपसे सेल्सियस में पूछें तो वो है 38.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि अगर आपसे फ़ारेनहाइट में पूछें तो अप्रॉक्सीमेटली 101 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा काओ का बॉडी टेम्परेचर। क्वेश्चन 8, द पीरियड फ्रॉम द एक्चुअल कंसेप्शन टू द डेट ऑफ पार्चुरेशन इज टर्म्ड एज लैक्टेशन पीरियड, ड्राई पीरियड, गेस्टेशन पीरियड या सर्विस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गेस्टेशन पीरियड। तो गेस्टेशन पीरियड को हम प्रेगनेंसी पीरियड भी कह सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एक टर्म आती है लैक्टेशन पीरियड। लैक्टेशन पीरियड क्या होता है? लैक्टेशन पीरियड इज़ द पीरियड ऑफ मिल्क प्रोड्यूस आफ्टर द बर्थ ऑफ काफ। आफ्टर द बर्थ ऑफ काफ जो मिल्क प्रोड्यूस होता है उसे हम कहते हैं लैक्टेशन। एक वर्ड आता है सर्विसिंग। तो सर्विसिंग का मतलब क्या होता है? मेटिंग ऑफ बुल एंड काव इन हीट। और एक टर्म आती है ड्राई पीरियड। तो ड्राई पीरियड क्या होता है? इट इज़ द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ ड्राइंग। डेट ऑफ ड्राइंग यानी जब स्टॉप हो जाता है मिल्क का प्रोडक्शन टू नेक्स्ट काविंग। तो ड्राई पीरियड क्या होता है? इट इज़ द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ ड्राइंग टू नेक्स्ट काविंग। क्वेश्चन 9, व्हाट इज द गेस्टेशन पीरियड इन कैटल? 391 डेज, 114 डेज, 316 डेज या 282 डेज। तो राइट आंसर इज 282 डेज। तो गेस्टेशन पीरियड जो कैटल में होता है वो होता है 282 डेज के लिए। और एवरेज लैक्टेशन पीरियड ऑफ एग्जॉटिक काउ क्या होता है? 305 डेज। तो एवरेज लैक्टेशन पीरियड जो एग्जॉटिक काउ का है वो है 305 डेज और जो गेस्टेशन पीरियड है कैटल का वो है 282 डेज। तो गेस्टेशन पीरियड और लैक्टेशन पीरियड में कंफ्यूज मत होना। गेस्टेशन पीरियड का मतलब होता है प्रेगनेंसी पीरियड, सिंपल है। और जो लैक्टेशन पीरियड है उसका मतलब होता है जब पीरियड होता है मिल्क का, ठीक है, पीरियड ऑफ मिल्क प्रोड्यूस आफ्टर द बर्थ ऑफ काफ, उसे हम कहते हैं लैक्टेशन पीरियड। क्वेश्चन 10, इम्प्रूव्ड ब्रीड करन फ्राइज इज अ क्रॉस बिटवीन ब्राउन स्विस क्रॉस साहिवाल, थार पार्कर क्रॉस होलिस्टीन फ्राइसिन, साहिवाल क्रॉस ब्राउन स्विस या नन ऑफ दिस। सो द राइट आंसर इज थार पार्कर क्रॉस होलिस्टीन फ्राइसिन। तो अब हम देखेंगे कुछ क्रॉस ब्रीड। तो पहली है करन स्विस। तो करन स्विस किसका क्रॉस है? साहिवाल क्रॉस ब्राउन स्विस। दूसरी है फ्रिसवाल। तो फ्रिसवाल किसका क्रॉस है? होलिस्टीन और साहिवाल का। तो ये तीन क्रॉस ब्रीड याद रखना, एक है करन स्विस जो साहिवाल और ब्राउन स्विस का क्रॉस है, दूसरी है फ्रिसवाल जो होलिस्टीन और साहिवाल का क्रॉस है, और तीसरी है करन फ्राइस जो थार पार्कर और होलिस्टीन फ्राइसिन का क्रॉस है। क्वेश्चन 11, गेस्टेशन पीरियड ऑफ कैमल इज 285 डेज, 114 डेज, 391 डेज या नन ऑफ दिस। सो द राइट आंसर इज 391 डेज। गेस्टेशन पीरियड ऑफ कैमल इज 391 डेज। अगर आपसे स्वाइन का गेस्टेशन पीरियड पूछे तो उसका आंसर होगा 114 डेज। क्वेश्चन 12, सिकल शेप हॉर्न इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच बफेलो ब्रीड? भदावरी, जफराबादी, नीली रवि या सूरती। तो राइट आंसर इज सूरती। सिकल शेप हॉर्न इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सूरती। क्वेश्चन 13, CIRB यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो इज लोकेटेड एट हिसार, हरियाणा, उत्तराखंड, वाराणसी या नन ऑफ दिस। सो द राइट आंसर इज हिसार, हरियाणा। क्वेश्चन 14, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल या पोल्ट्री मैन्योर हैज हाईएस्ट पोटेशियम कंटेंट? कैटल, शिप, पिग या पोल्ट्री। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो है पिग। क्वेश्चन 15, एडल्ट फीमेल ऑफ द कैटल इज कॉल्ड काव वाइल एडल्ट मेल ऑफ हॉर्स इज कॉल्ड एज फिली, कोल्ट, स्टेलन या मेर। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है स्टेलन। एडल्ट मेल ऑफ हॉर्स इज कॉल्ड एज स्टेलन। और एडल्ट फीमेल हॉर्स को हम क्या कहते हैं? मेर। मेर को कहते हैं हम एडल्ट फीमेल हॉर्स। और जो फिली है वो फीमेल हॉर्स है जो यंग होती है, यंग फीमेल हॉर्स बिलो द एज ऑफ 4 ईयर्स इज नोन एज फिली। कोल्ट क्या है? मेल हॉर्स यूजली बिलो द एज ऑफ 4 ईयर्स। तो अब हम देखते हैं काऊ का। मेल कैटल को कहते हैं बुल, फीमेल कैटल को कहते हैं काऊ, मीट ऑफ ओल्ड कैटल को हम कहते हैं बीफ, मीट ऑफ यंग कैटल को कहते हैं वील। अब देखो बफेलो मीट को क्या कहते हैं? बफिन। मेल पिक को हम क्या कहते हैं? बोर। फीमेल पिक को सो, अगर कोई पिगलेट नहीं है तो हम गिल्ट कहेंगे। पिक के मीट को हम पोर्क कहते हैं, सॉल्टेड पिग मीट को हम बैकॉन कहते हैं। मेल शिप को हम
रैम्स कहते हैं फीमेल शिप को, ईवी कहते हैं शिप के मीट को हम मटन कहते हैं, मेल गोट को बक कहते हैं, फीमेल गोट को डो कहते हैं और गोट के मीट को हम चिवॉन कहते हैं। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन 16th, एक्ट ऑफ मेटिंग इन गोट इज टर्म्ड एज कपलिंग, कवरिंग, टपिंग या सर्विंग। तो राइट आंसर इज सर्विंग। एक्ट ऑफ मेटिंग इन गोट इज टर्म्ड एज सर्विंग। बफेलो में हो या गोट में हो या पोल्ट्री में हो मेटिंग प्रोसेस, तो हम उसे कहते हैं सर्विंग। कपलिंग जो है पिग का मेटिंग प्रोसेस, पिग मेटिंग प्रोसेस को हम कहते हैं कपलिंग, और जो टपिंग है वो शिप मेटिंग प्रोसेस है। क्वेश्चन 17th, विच न्यूट्रेंट इज अवेलेबल इन हाइएस्ट परसेंटेज इन पोल्ट्री मैन्योर, सल्फर, फॉस्फोरस, पोटेशियम या कैल्शियम। तो राइट आंसर इज कैल्शियम। क्वेश्चन 18th, मैरिनो ब्रीड ऑफ शिप नोन फॉर इट्स हाई क्वालिटी वूल हैज़ इट्स ओरिजिन इन इंडिया, स्पेन, मैक्सिको या ऑस्ट्रेलिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है स्पेन। मैरिनो ब्रीड का ओरिजिन क्या है? स्पेन है। क्वेश्चन 19th, मैक्सिमम फैट परसेंटेज इन मिल्क ऑफ भदावरी, मुर्रा, मैसेना या जफराबादी। तो राइट आंसर इज भदावरी। सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है, मैक्सिमम फैट परसेंटेज किसके मिल्क में होता है? भदावरी के मिल्क में होता है, और ये इसका जो ओरिजिन है वो है यूपीएन एमपी। जफराबादी का जो ओरिजिन है वो गुजरात है, और जफराबादी को हम मिनी एलिफेंट भी कहते हैं। क्वेश्चन 20, हाफ मून इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच कैटल ब्रीड, साहिवाल, कैंगयाम, गिर या नन ऑफ दिस। सो द राइट आंसर इज गिर। क्वेश्चन 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज होम ट्रैक्ट ऑफ नीली रवि बफेलो, राजस्थान, गुजरात, पंजाब या हरियाणा। तो राइट आंसर इज पंजाब। गुजरात में कौन से हैं? मैसेना, सूरती, बानी, जफराबादी, इन सब का जो होम ट्रैक्ट है वो है गुजरात। क्वेश्चन 22, कॉपर कलर हेयर स्किन फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीड, मुर्रा, नीली रवि, मैसेना या भदावरी। तो इसका जो सही आंसर है वो है भदावरी। भदावरी में कॉपर कलर हेयर स्किन होती है। नीली रवि की जो है वॉल्ड आइज होती हैं, ठीक है, नीली रवि की वॉल्ड आइज होती हैं, और मुर्रा को हम डेली, कुंडी, काली ये सब भी कहते हैं। क्वेश्चन 23, टोडा इज़ अ ब्रीड ऑफ शिप, गोट, कैटल या बफेलो। तो राइट आंसर इज बफेलो। टोडा का जो ओरिजिन है वो है तमिलनाडु। क्वेश्चन 24, स्प्लीनिक फीवर इज अनदर नेम ऑफ FMD, एंथ्रेक्स, कॉपॉक्स या नन ऑफ दिस। सो द राइट आंसर इज एंथ्रेक्स। क्वेश्चन 25, वर्ल्ड मिल्क डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 1st June, 1st January, 1st July या 1st August। सो राइट आंसर इज 1st June। 26 November को हम नेशनल मिल्क डे भी मनाते हैं। ऑपरेशन फ्लड जो है लॉन्च हुआ था। क्वेश्चन 26, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ रूमिनेंट स्टमक इज ओमेसम, रेक्टिकुलम, र्यूमेन या अबोमेसम। तो राइट आंसर इसका र्यूमेन। लार्जेस्ट पार्ट रूमिनेंट स्टमक का कौन सा है? र्यूमेन। ओमेसम जो है उसे हम बुक कहते हैं, रेक्टिकुलम को हनी कॉम कहते हैं और अबोमेसम को द ट्रू स्टमक कहते हैं। रूमिनेंट एनिमल कौन से होते हैं? जिनका 4-chamber स्टमक होता है। और नॉन रूमिनेंट्स कौन से होते हैं? जिनका सिंगल स्टमक होता है। अब एग्जाम्पल रूमिनेंट एनिमल्स के कौन से? कैटल, शिप, गोट, ये सब आते हैं रूमिनेंट्स में। और नॉन रूमिनेंट्स में आते हैं हॉर्स और डोंकी। क्वेश्चन 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टॉलेस्ट ब्रीड ऑफ शिप इन इंडिया, नीलोर, मांडिया, गुरेज या मेरिनो। तो राइट आंसर इसका नीलोर। क्वेश्चन 28, नेटिव ऑफ साउथ डाउन ब्रीड इज इंडिया, इंग्लैंड, फ्रांस या USA। तो राइट आंसर है इसका इंग्लैंड। क्वेश्चन 29, वर्ल्ड नंबर 1 एग प्रोड्यूसर न्यू हैम्पशायर, लैगहॉर्न, इंग्लिश क्लास या रोड आइसलैंड रेड। तो राइट आंसर है इसका लैगहॉर्न। लैगहॉर्न क्या है? वर्ल्ड नंबर 1 एग प्रोड्यूसर। ये जो है मेडिटेरियन क्लास को बिलोंग करती है। मेडिटेरियन क्लास में कौन सी आती हैं? लैगहॉर्न, मिनोर्का, एनाकोना, ये सब आती हैं मेडिटेरियन क्लास में। जबकि जो अमेरिकन क्लास है उसमें आती है न्यू हैम्पशायर, प्लायमाउथ रॉक, रोड आइसलैंड रेड, ये सब आती हैं अमेरिकन क्लास में। क्वेश्चन 30, रिंडरपेस्ट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट या नन ऑफ दिस। सो द राइट आंसर इज वायरस। तो वायरल डिजीज़ कौन कौन सी हैं? रिंडरपेस्ट, मैरिक डिजीज़, न्यू कैसल वायरस,
रानी खेत न्यूकैसल वायरस एक ही है, FMD, स्वाइन फीवर, ये सब जो है वायरल डिजीज़ है। बैक्टीरियल डिजीज़ में कौन सी आती है, एंथ्रैक्स, ब्लैक क्वार्टर, ब्रुसोलिस, मास्टिट्स, टाइफाइड, कोलेरा। फंगल डिजीज़ में आती है रिंग वॉर्म, अफ्लाटॉक्सिकोसिस। प्रोटोजोआ में आती है कोकोडियोसिस। क्वेश्चन 31, हाईएस्ट SNF यानी सॉलिड नॉट फैट कंटेंट इज़ फाउंड इन विच एनिमल मिल्क, काओ, बफेलो, गोट या शिप। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।